गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग हमेरा गुड इवनिंग तेजस्विनी गुड इवनिंग तपस्या गुड इवनिंग नितिशा गुड इवनिंग जानवी गुड इवनिंग दिव्यानी गुड इवनिंग मणाली गुड इवनिंग रितिका वेरी गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग सुप्रिया ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में हम लोग प्लांट किंगडम जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा प्लांट किंगडम का जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो हम देखेंगे प्लांट किंगडम जो है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड विद द हेल्प ऑफ पीपीटी दोनों भी तरीके से हम कवर करेंगे तो आज का बेटा टोटल ये बेसिक लेक्चर है बेसिक मीन्स प्लांट किंगडम का जो पोर्शन है उसका जितना भी जो कोर कंसेप्ट जो होना चाहिए वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिस नहीं करना टू हॉर्स का आपका ये दो घंटे का हम लोग एक मेगा सेशन जो हम रख रहे हैं ठीक है थीके? तो टू में हम लोग काफी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग प्लांट किंगडम जो है इसका हम देखने वाले तो प्लांट किंगडम के जो भी कंसेप्ट है वो आज और कल भी हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें फाइनली ये वाला चैप्टर हम कल तक के कंप्लीट कर लेंगे कल का फ्री स्लॉट कौन सा है बेटा बताएंगे आप लोग जल्दी से फ्री स्लॉट कौन सा है कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच का जो टाइम है वो आपका फ्री टाइमिंग है रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से सभी लोग आगे ना क्लास में हेलो ग्रेट <coughs> चलो फ्री टाइम स्लॉट भेज देंगे जैसे कि आपका टाइम मिलेगा उसके बीच में हम लोग जो है क्लास जो है रख लेंगे तो सबसे पहले देखिए प्लांट किंगडम जो है यहां पे हम लोग सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हुआ है वो हम देखेंगे ओके <coughs> हेलो क्लास में है ना सभी लोग रिस्पॉन्स करो नो में देखिए मैं चाहूँ तो आज के आज प्लांट किंगडम खत्म कर सकता हूँ विदाउट बेसिक कंसेप्ट समझाए बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आप बोलोगे तो आज प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लेते हैं फिर कल आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी क्या करना है जल्दी बोलो कल रखे क्लास यस या नो चॉइस इज यूर रख ले ठीक है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है चलो तो प्लांट किंगडम जो है इसे जनरली टू सब किंगडम में क्लासिफाई किया है प्लांट किंगडम के जो सब किंगडम है यदि हम देखें तो इसमें एक आता है क्रिप्टोगेमी नाम सुने होंगे आपने क्या चीज क्रिप्टोगेमी और सेकेंड इसी के साथ साथ आता है इसमें फेनेरोगेमी क्या आएंगा सेकेंड फेनेरोमी ये गए इसके टू सब किंगडम फिर यहाँ पे क्रिप्टोगेमी मीनस क्या है ऐसे प्लांट जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग सीड या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ना तो सीड बन रहे हैं और ना ही फ्लावर बन रहे हैं तो ऐसे प्लांट को किसमें प्लेस कर दिया क्रिप्टोगेमस में और ऐसे प्लांट जिसमें एक तो सीड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ फ्लावर भी बनेंगे तो उसको कहां पर प्लेस कर दिया उसे प्लेस कर दिया फेनेरोगेमस में अब यहां पे जिसमें सीड बनते हैं ओनली सीड बट फ्लावर नहीं बनते तो उसमें सारे के सारे जो जिम्नोस्पम प्लांट जो है कौन से जिम्नोस्पम प्लांट जो है ये सीड वाले में आ जाते हैं और जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है मींस कौन से प्लांट आएंगे इसमें ऑल प्लांट तो जितने के जितने एनजियोस्पम प्लांट है ये सारे के सारे कहां पर प्लेस कर दिए गए हैं ऑल एंजियोस्पमिक प्लांट जो है ये प्लेस कर दिए पर ये प्लेस कर दिए फेनेरोगेमी में मींस जिसमें फ्लावर होते हैं तो फ्लावर होते हैं और नहीं होते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे इसके टू टाइप्स देखे ओके तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट समझे जिसमें हम लोगों ने डिविजन देखे सॉरी क्या चीज सब किंगडम देखे सब किंगडम के साथ ही साथ अब यहाँ पे ये यह जो क्रिप्टोगेमी है इसको कुछ डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है तो क्रिप्टोगेमी जो है इसका अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा डिवीजन तो कौन कौन से डिवीजन इसमें आ सकते हैं तो डिवीजन यदि हम देखें क्रिप्टोगेमस में क्या चीज क्रिप्टोगेमी तो यहां पे क्या हो रहा है यार एक मिनट हा? हाँ हा दो बार प्रेस हो रहा है एक सेकेंड हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखने दो ओके स्लाइड दिखाई दे रहा है ना बेटा लिखा हुआ आप लोगों को सभी लोगों को ठीक है तो यहां पे अभी हम लोग क्या चीज बेटा कौन सा पार्ट देख रहे थे हम लोग यहां पे जो कंसेप्ट समझ रहे थे वो हम देख रहे थे क्रिप्टोगेमी और क्रिप्टोगेमी जो है ये हो गया क्या चीज बेटा ये हो गया सब किंगडम अब ये जो सब किंगडम है इस सब किंगडम को डिवाइड किया इसके डिवीजन में तो सब किंगडम को जब डिवाइड किया उसके डिवीजन में तो डिवीजन में क्या क्या आएगा वो हम देखेंगे तो डिवीजन की यदि हम बात करें तो डिवीजन में पहली चीज तो इसमें आता है थैलोफाइटा क्या आता है इसमें थैलोफाइटा इसी के साथ साथ इसमें आता है ब्रायोफाइटा इसी के साथ साथ इसमें इसी का एक हम डिवीजन देखें तो क्या आएगा टेरिडोफाइटा इसी के साथ साथ नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसमें जो क्रिप्टोगेमी हो गया ठीक है क्रिप्टोगेमी के बाद यदि हम लोग अगेन सॉरी कौन सा पार्ट जो फेनेरोगेमी है क्या चीज फेनेरोगेमी इसका भी तो डिवीजन होगा तो फेनेरोगेमी का जो डिवीजन है वो उसमें आता है स्पर्मेटोफाइटा क्या आ जाएगा इसमें स्परमेटो इस फाइटा ये हो गया डिवीजन अब थैलोफाइटा मींस इसमें क्या आता है ठीक है तो थैलोफाइटा जो है इसमें आता है एलगी क्या आएगा इसमें एलगी तो एलगी जो है यदि हम देखें तो एलगी को जनरली मेन थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया है कितनी क्लासेस थ्री क्लासेस कौन कौन सी थ्री क्लासेस आएंगी एलगी की एलगी की जो थ्री क्लासेस यहां पे आ रही है जिसमें से क्या होगा बेटा फर्स्ट आता है क्लोरोफाइसी पढ़े हो आप लोगों ने फर्स्ट क्या आ जाएगा इसमें क्लोरोफाइसी मींस ऐसा एलगी जो ग्रीन कलर का होता है जिसे क्लोरोफाइसी कहते हैं एक ऐसा एलगी जो ब्राउन कलर का होता है उसे फियोफाइसी कहते हैं ऐसा एल्गी जो रेड कलर का होता है उसे रोडोफाइसी कहते हैं तो ये जो हो जाएंगे एलगी के क्लासिफिकेशन टाइप एज इट इज ऐसे ही ब्रायोफाइटा जो है इसका भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो ब्रायोफाइटा जो है इसमें भी यदि हम देखें तो इससे भी डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है जिसमें से एक आता है हिपेटिकोप और ब्रायसीडा और ऐसे ही फिर टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइटा जो है इसको भी कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है ओके तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यदि हम देखें तो यहां पे ये यह क्लासिफिकेशन टाइप आता है तो अभी यहां पे हम सबसे पहले एलगी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो में क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले आएगा क्लोरोफाइसी। नंबर वन क्लोरोफाइसी मींस ऐसा एलगी जो ग्रीन कलर का होता है सेकंड इसमें क्या आएगा बेटा फियोफाइसी। फियो फाइसी फ्यूफाइसी मीन्स क्या चीज ऐसा एलगी जो ब्राउन कलर का होता है और थर्ड रोडोफाइसी रोडोफाइसी मींस एक ऐसा एलगी जो रेड कलर का होता है तो ये रेड एलगी हो गया ओके फ्यूफाइसी जो है ये ब्राउन एलगी हो जाएगा और क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रीन कलर का एलगी हो जाएगा ओके okay. तो इस तरह से यहां पे ये एलगी का क्लासिफिकेशन टाइप हो गया इधर साइड में हम लोग ब्रायोफाइटा के भी जो है कल्याणी इसके पहले वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना डोंट वरी बेटा टेंशन ना लो ये जितना भी स्लाइड है इसका आपको आज ही पीपीटी शेयर कर दूंगा ठीक है सिर्फ कंसेप्ट को समझने पे फोकस करो अभी नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा ब्रायोफाइटा हम देखेंगे तो ब्रायोफाइटा जो है इसका क्लासिफिकेशन हम टाइप देखे तो इसमें आता है बेटा एक हिपैटिकॉपसिडा हिपेटी क्या चीज कॉप्सिडा सेकेंड हिपैटिकॉपसीडा के बाद यदि हम देखेंगे तो एक होता है एंथ क्या है एंथो शिरोपसीडा, एंथो एंथोसिरोप सीड़ा इसके बाद अगेन एक और टाइप आता है इसमें जिसे हम कहते हैं ब्रायोपसीड़ा तो ये हो गया क्या चीज बेटा ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा के बाद नेक्स्ट हमने क्या देखे थे टेरिडोफाइटा ओके क्या आएगा नेक्स्ट टाइप टेरिडोफाइटा तो टेरिडोफाइटा जो होता है क्या चीज टेरिडोफाइटा की यदि हम बात करें तो टेरिडोफाइटा में भी एज इट इज सिमिलर इसी टाइप से क्लासिफाई किया देखो ये किस तरह से हुआ क्लासिफिकेशन हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले बट आप सबसे पहले नाम जो टर्म्स है उस टर्म्स को अंडरस्टैंड करो सबसे पहले तो टेरिडोफाइटा में क्या आएगा बेटा सबसे पहले सबसे पहले आता है साइलोपसीडा क्या जाएगा सबसे पहले साइलोपसीडा साइलोपसीडा के बाद नेक्स्ट आएगा साइकोपसीडा साइकोपसीडा हो गया उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है क्या चीज स्पेनोपसीडा ओके और स्पेनोपसीडा के बाद नेक्स्ट आता है टेरिडेपसीडा टेरो, टेरोपसीडा भी कहते हैं ये होता है इस तरह से तो ये क्या हो गया बेटा जो है इसका क्लासिफिकेशन टाइप है ठीक फिर इसके बाद हम लोगों ने इसी के जस्ट बाद, अगेन हम लोगों ने देखे थे याद है आप लोगों को जो हम लोगों ने टाइप्स का जो स्टडी किए थे तो टाइप्स में हम लोगों ने कौन सा पार्ट देखा जल्दी बता दो हम लोगों ने देखे थे क्या चीज बेटा फेनेरोग वेरी गुड फेनेरोगेमी तो उसे भी हम समझ लेते हैं तो यहां पे देखिए फेनेरोगेमी जो है यदि हम इसके स्टडी करें तो फेनेरोगेमी में दो टाइप के प्लांट आते हैं बेटा टू टाइप के प्लांट्स आएंगे पहला कौन सा होगा एंजियोस्पर्म और दूसरा कौन सा आएगा? जिम्नोस्पम ठीक है मींस जिसमें एक तो फ्लावर बन रहा है और एक जिसमें फ्लावर नहीं बन रहा है और सीट तो दोनों में भी बनेंगे तो इसमें एक आ जाएगा जिम्नोस्पम और दूसरा क्या आ जाएगा एंजियोस्पम अब जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम की यदि हम बात करें क्या चीज़ जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम तो जिम्नोस्पम को थ्री क्लास में क्लासिफाई किया हम लोग क्लासेस देख रहे हैं बेटा ये क्या था सबसे पहले हमने क्या देखे सब किंगडम सब किंगडम के बाद हमने उसके क्या देखे डिवीजन ठीक है और डिवीजन के बाद याद है हम लोगों ने पढ़े थे इस तरह से क्या चीज सौरभ गांगुली फैमिली फिर क्या था सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर चावल दाल कबाब ऐसे ही था ना सीओ एफ कॉफ पढ़े थे हमने एनिमल रहा तो फाइलम होता है प्लांट रहा तो डिवीजन होता है स्पीसीज जीनास फिर उसके बाद क्या होता है फैमिली फिर ऑर्डर फिर क्लास फिर डिविजन और फाइनली किंगडम बेटा इसका मैं आज आप लोगों को एक वीडियो जो है बोर्ड वीडियो जो है ठीक है एक याला लेक्चर आज अपलोड आज या फिर कल में अपलोड कर दूंगा इसमें आप लोग लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर जो आपके जूनियर बैच में हुआ है समझे लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर उसमें बोर्ड प्रेजेंटेशन है एक बार आप लोग वहां से रिवाइज करेंगे समझे जिसका लेक्चर थ्री अपलोड हो चुका है लेक्चर फोर जो है विल बी अपलोडेड यदि आपको लिंक चाहिए तो टेक्स मी ऑन टेलीग्राम ओके देन आई विल प्रोवाइड परफेक्ट लिंक जिसमें से आपको स्टडी करना है एक बार आपको रिवाइज करना है कंसेप्ट यदि कुछ प्रॉब्लम भी रहा तो आप लोगों को मिल जाएगा बेटा अपलोड नहीं होगा तो मैं जूम वाला लिंक भेज दूंगा आपको मैं यदि आपको आज ही देखना है तो मैं जूम का जो लिंक है क्लाउड रिकॉर्डिंग वाला विथ पास पासवर्ड वाला मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो सबसे पहले आप लेक्चर थ्री देख लो ये यूट्यूब पे है हमारे पास ओके और दो दिनों के बाद लेक्चर फोर भी अपलोड हो जाएगा तो पहले लेक्चर थ्री देखो फिर लेक्चर फोर वैसे लेक्चर फोर बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है आपके लिए लेक्चर थ्री आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख भी लो चलेगा लेकिन लेक्चर फोर में इतने अच्छे कंसेप्ट एक एक पार्ट इतने अच्छे से समझाया है कि यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहा होगा आपका तो इस लेक्चर फोर के रिविजन से आपका क्लियर हो जाएगा समझे तो इफ यू वांट सो यू कैन टेक्स मी एंड आस्क मी मैं आपको परफेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो अब देखिए हम लोग यही देख रहे थे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे यहाँ पे एनी हम लोग प्लांट किंगडम देख रहे हैं प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में भी डिवाइड किया जो हमारे क्लासिफिकेशन के टाइप में नहीं बताया है जिसमें हम लोगों ने फेनेरोगेम्स और क्रिप्टो गेम्स देखे क्रिप्टो गेम्स के हमने डिवीजन देखे डिवीजन में हम लोग क्या देखे बेटा डिवीजन में क्रिप्टो गेम्स और फेनेरोगेम्स का हमने डिवीजन देखे जिसमें हमने क्या है ब्राइफसीडा मतलब क्या है एक तो थैलोफाइटा हमने देखे थैलोफाइटा जो होता है थैलोफाइटा में बेटा जनरली जैसे साइनोबैक्टीरिया को भी प्लेस किया है जिसे बी कहते हैं और साथ ही साथ एलगी भी आता है बट हमने साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में पढ़े तो उधर से भी इसका रिलेशन आता है बट थैलोफाइटा एक जो ग्रुप बनाया है उसमें साइनोबैक्टीरिया और एलगी दोनों भी आता है ठीक है ये थोड़ी सी ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है इसलिए मैंने कहा कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी क्लासेस है लोगों ने ब्रायोफाइटा की क्लासेस पढ़े और साथ ही साथ में क्लासीफाई किया है तो तीनों भी कौन कौन सी क्लासेस आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं जिम्नोस्पम की तो जिम्नोस्पम में फर्स्ट क्लासेस जो होता है बेटा जैसे साइकेडोपसीडा कहते हैं क्या जाएगा इसमें साइकेडोप सीडा फर्स्ट क्लास हो गई जिम्नोस्पर्म की सेकंड क्लास जो आती है इसमें कोनी फेरोपसीडा आता है क्या चीज कोनी फेरोपसीडा और थर्ड क्लास जो है जिसे निटेल्स या निटेपसीडा कहते हैं क्या आ है जाएगा निटेपसीडा ये हो गया हमारे जिम्नोस्पर्म का क्लास एंजियोस्पर्म की क्लास तो आप बहुत अच्छे से जानते हो में ओनली टू क्लास ही आएंगी जल्दी से बताएंगे बेटा कौन कौन सी टू क्लास है एंजियोस्पर्म की ओनली टू क्लास है एक डायकोटनी वेरी गुड और एक मोनोकॉट ओके तो डायकोटी लेडनी और एक क्या जाएगा ओके मोनोकोट एंड डायकोट ये जो हो गया हमारा क्या चीज फेनेरोगेमी हो गया फेनेरोगेमी के बाद अब हम लोग एक्चुअल जो हमारा में दिया है प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्पेशली प्लांट की हम बात करें प्लांट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एनिमल का तो हम लोग किंगडम एनिमल में पढ़ेंगे तो प्लांट का जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो प्रपोज किया है जिसमें फर्स्टली यदि हम देखें तो एक आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेकेंड आता है इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और थर्ड आता है इसमें फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन सिस्टम मींस हम लोगों को यहाँ पे थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम का स्टडी करना है आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनी आज के इस लेक्चर में हम लोग यही तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बहुत अच्छी तरह से समझने वाले ओके तो इसमें सबसे पहले आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम का स्टडी किए थे तो अर्ली जो क्लासिफिकेशन जो दिया था क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं तो क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हुआ था वो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम है एरिस्टोटल याद आ रहा है आपको हमने पढ़े थे वेरी गुड बेटा ग्रेट तेजस्विनी और एरिस्टोटल ने बेटा क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पे टाइप्स बताए उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म से दो टाइप के होते हैं एक जो हमको दिख रहा है प्लांट जो चल फिर नहीं सकते और दूसरा हम लोग जो एनिमल जो घूम फिर सकते हैं प्लांट और एनिमल दो ही होते हैं प्लांट को जो क्लासिफाई किया था वो भी प्लांट में भी क्लासिफिकेशन ऐसा था कि एक छोटे प्लांट थे बहुत ठीक है उससे एक बड़े मींस हर्ब श्रब और ट्री इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया था और एनिमल एनिमल में animal ऐसा जिसमें एक तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती ठीक है तो बेस्ड ऑन आरबीसी यहां पे दो टाइप्स यहां पे इन्होंने एरिस्टोटल ने ह्यूमंस का बताए थे ठीक है तो जिसमें वहां पे उसका टर्म क्या है एनेमा और इनेमा इस तरह से टर्म दिया था एनेमेलिया भी कहते हैं इसको और इनेमेलिया ठीक है इस तरह से टू टर्म्स जो है यहां पे एक्सप्लेन किया था बट अभी हम लोगों को यहां पे जो समझना है सबसे फर्स्ट दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है यह हम लोग समझेंगे अभी और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किस पर बेस्ड था ये, ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ओके तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ये बेस्ड था जिसमें जो कैरेक्टर्स यहां पे लिए जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहां पर लिए है ठीक है वो जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग टू टाइप के यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो लिए है ओके okay, तो टू टाइप के जो कैरेक्टर्स है यहाँ पे बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी कौन कौन से यहां पे कैरेक्टर्स लिए हैं? वो हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी यहां पे पहली चीज तो एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया गया है कौन सा यहां पे फर्स्ट एक कैरेक्टर जो लिया है वो लिया है क्या चीज वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेकंड यहां पे जो लिया है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो है ये यह यहां पे लिया है और वेजिटेटिव कैरेक्टर तो वेजिटेटिव कैरेक्ट कैरेक्टर जो है इसमें जो भी टाइप्स आ रहे हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो भी टाइप्स आ रहे हैं वो हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स जो यहाँ पे लिए गए हैं तो पहली चीज तो बेटा स्टेम कैसा दिखता है उसका हाइट कितना है उसका थिकनेस क्या है ये लिए यहाँ पे सेकंड एज इट इज रूट मॉर्फोलॉजी एनाटोमी जो भी है और लास्टली यहाँ पे उसका लीफ लीफ उसका अरेंजमेंट कैसे होता है ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है जनरली जो फ्लोरल फ्लावर पार्ट जो होते हैं प्लांट के ठीक है क्या चीज फ्लोरल पार्ट या फ्लावर पार्ट जो होते हैं किसके प्लांट के उसे यहां पे लिया तो फ्लावर पार्ट जो है जिसमें रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोगों ने बेटा बहुत डिटेल स्टडी कर चुके हैं तो आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा एक स्टामेन इसको लिया यहां पर और दूसरा कार्पल बताओ स्टाम क्या होता है जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे जहां पे भी आपको लगे तो आप वाइस में भी आंसर कर सकते हो स्टमेन जो होता है वेरी गुड स्टमेन जो हो गया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया प्लांट के लिए फ्लावर का और कार्पल्स जो होता है वो क्या हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया तो इस तरह से यहां पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है हमें समझाया है ओके तो अब यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अलग अलग साइंटिस्ट का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे रहा है ठीक है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कुछ साइंटिस्ट जो है जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है जिसमें सबसे पहले हम लोग थियोफ्रेस्टस जो है ये देखेंगे आप जानते हो ये फादर ऑफ बॉटनी के नाम पे जाने जाते हैं ठीक है क्या चीज थियोफ्रेस्टस नाम सुने हो थियोफ्रेस्टस जो है इन्होंने प्रपोज किया क्या चीज फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑन द्लांट सबसे पहले ठीक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है सबसे पहले बेस्ड ऑन है किस पर है इस पर बेस्ड था जिसमें प्लांट जो है इनके अकॉर्डिंग यदि हम देखे तो प्लांट की हैबिटेट जो है वो कहां पर है और जहां पर भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग प्लांट जो है एक तो हर्ब होता है दूसरा होता है और थर्ड ट्री होता है तो इस तरह से यहां पे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किसने बेटा थियोफ्रेस्टस इन्होंने दिए इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस सेकेंड साइंटिस्ट और लीनियस जो है इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किए ये सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए इन्होंने क्या चीज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो इन्होंने यहाँ पे लीनियस ने हमें जो प्रपोज किए जिसमें साथ ही साथ अपना ये जो वर्क है वो उन्होंने एक अपनी एक बुक में पब्लिस भी किए बताओ लिनियस ने जो अपना वर्क पब्लिश किए थे उसके लिए हमने एक बुक जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे बताओ उस बुक का नाम क्या था देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है याद है किसी को कौन सी बुक थी बेटा भूल गए या पढ़े ही नहीं आप लोगों ने हेलो वेरी गुड बट यहां पे देखिए सिर्फ श्रुति का आंसर आया है नेचर और एक जेनेरा प्लांटेरम ऐसी दो बुक है बट यहां पे उन्होंने जो पब्लिश किए हैं उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम जेनेरा क्या है प्लांट टेरम इसमें इन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश किए जिसमें नेचर एंड नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पल्स ठीक है क्योंकि सेक्सुअल सिस्टम दिया उन्होंने क्लासिफिकेशन का तो यहां पे उन्होंने क्या चीज एक तो नेचर कैसा है और दूसरा नंबर और वो भी किसका बेटा नेचर एंड नंबर एक तो वहां पे उन्होंने स्टामेन का नेचर कैसा है और नंबर कैसा है वो और साथ ही साथ जो कार्पल्स है उसके नंबर्स कितने हैं और उनका नेचर कैसा है दोनों तो इनके अकॉर्डिंग प्लांट जो है ठीक है इस तरह से इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो प्लांट जो थे प्लांट को टोटल ट्वेंटी फोर क्लासेस में डिवाइड किया है कितना बेटा टोटल ट्वेंटी फोर क्लासेस में जो है इनके अकॉर्डिंग प्लांट को डिवाइड किया था ओके तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें दिया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे तो देखो सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग आर्टिफिशियल अभी सबसे पहले देख रहे हैं फिर हम लोग नेचुरल सिस्टम हम देखेंगे और उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम देखेंगे तो नेचुरल सिस्टम का जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी है तो नेचुरल सिस्टम में क्या चीज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसके कुछ ना कुछ वहां पर ड्रॉबैक्स भी थे अब ड्रॉबैक्स जो है ये कौन कौन से थे वो हम समझ लेते हैं तो पहली चीज तो बेटा यहां पे जो फाइलोजेनी जो होती है क्या चीज फाइलोजेनी इसका किसी भी टाइप का एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दिया है फैलोजेरी रिलेशनशिप जो होता है ये नेचुरल क्लासीफिकेशन सिस्टम में नहीं बताया सेकेंड थिंग यहाँ पे जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर है और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है दोनों को इक्वल वेटेज दिया हुआ है दोनों का वेटेज जो है वो क्या है इक्वली वेटेज दिया हुआ है साथ ही साथ यदि हम देखे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है इसमें जो भी फैक्टर जो होता है और उसमें यदि हम चेंज देखें अकॉर्डिंग टू मेंडल इवोल्यूशनरी चेंजेस हम देखे तो यहाँ पे जो चेंजेस है बहुत स्लो होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में जो भी यहाँ पे चेंजेस जो है ठीक है सॉरी उल्टा बता दिया यहाँ पे जो कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर में जो चेंजेस होता है ये बहुत फास्ट होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में जो भी चेंजेस यहाँ पे होगा ये बहुत ही स्लो होता है ठीक है साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बेटा नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे क्या नहीं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है नॉट कंजर्व कंजर्व नहीं होते लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो कंजर्व होते हैं इसलिए यहाँ पे ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की आ, बात आई ठीक है नेचुरल अभी हम लोग ये नेचुरल थोड़ी देख रहे हैं हम लोग ड्रॉबैक्स किसके देख रहे हैं बेटा नेचुरल का नहीं है हम ड्रॉबैक जो देख रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल का देख रहे हैं और आर्टिफिशियल के कुछ ड्रॉबैक्स थे इसलिए फाइनली नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यहां पर आया समझ में आया ना बेटा हेलो देखिए यहां पे हम लोग जो लास्ट इसमें देख रहे थे पहले हम आर्टिफिशियल समझ रहे हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है अब फाइनली अब नेचुरल yes, हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ तेजस्वी कुछ प्रॉब्लम है या एवरीथिंग okay. आगे बढ़े। कम दिख रहा है आप लोगों का आज हाँ बेटा हो सकता है नहीं अभी रिज्वाइन करने का नीड नहीं है थोड़ा सा मेरे पास फ्लक्चुएशन आया था लिटिल सा फ्लक्चुएशन आया था अभी नहीं हो रहा होगा देखो हाँ अभी नहीं हो रहा होगा लिटल्स सा फ्लक्चुएशन आया होगा अभी ओके है तो इस तरह से यहां पे देखिए क्या हो गया ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल के कुछ ड्रॉबैक्स होने की वजह से फाइनली यहां यह पर आया तो पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम विद द हेल्प ऑफ स्लाइड थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर ठीक है तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और कैरोलस लिनियस ने यहाँ पे बेटा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जैसे कि हम लोग देखें सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बेस्ड था किस पर बेटा एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा सुपरफिशियल जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो थे ये जैसे कि हो हो गया कलर हो गया कलर नंबर या फिर किसके बेटा लीव्स का इसी के साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो लिनियस जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसका बेस्ट था एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर एंड्रोसियम मीन क्या हो गया प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्टमेन कहते हैं याद है तो एंड्रोसियम क्या हो गया बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस पर बेस्ड है ये हम लोगों ने पढ़े हैं तो अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है बेटा तो देखो यहाँ पे आप लोग ये स्टामिन देख रहे हो स्टामिन में देखो ये मोनो एडल्फस कंडीशन हो रही है अभी हम प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको मोनो एडल्फस और डायडेल्फस क्या होता है ये समझेगा ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब स्टमेन जब निकला होता तो इस तरह से बहुत सारे रहेंगे और सारे के सारे जुड़े रहेंगे एक साथ तो मोनो एडल्पस यहाँ पे एक अलग निकल गया और सारे के सारे जुड़े हुए तो उसको डायडल्पस कहेंगे सारे के सारे अलग अलग रहेंगे तो उसको पॉली कहते हैं ठीक है थीके? फिर सब आपस में फ्यूज भी होता है तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस आपको जो है मिल सकती है मोनो मतलब पॉली मतलब वो इनके हम टर्म्स समझेंगे सीन जो होता है ठीक है या पॉली जो है फ्यूजन कैसे होता है गैंड्रस, डायंड्रस टेट्रस अभी फिलहाल हम लोगों को इसकी मीनिंग्स नहीं समझना है अभी हम एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा था और उसके नंबर कैसे थे किस तरह से होते थे ने इस तरह से में हम लोगों को एक्सप्लेन किया है ओके फिर इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे और ड्रॉबैक्स क्या थे बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके ड्रॉबैक्स हमने थोड़ी देर पहले देखे ड्रॉबैक्स ये था कि यहाँ पे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज है ठीक है उसके कुछ कैरेक्टेरिस्टिक्स जो हैं वो अलग होते हैं इक्वल वेटेज यहाँ पे कंसीडर किया है बेटा वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि एप्लीकेबल नहीं होते वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजिली वो अफेक्ट क्या है ट ठीक है जिसकी वजह से फास्ट चेंजेस उसमें देखने को मिलता है बट रिप्रोडक्टिव में फास्ट चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलता है क्लासीफिकेशन सिस्टम तो जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसके कुछ हम लोगों ने ड्रॉबैक देखे फाइनली इसके बाद आया क्या चीज बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे तो पहले हम राइटिंग में हम समझ लेते हैं क्या चीज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यदि हम देखें तो ये किस पर बेस्ड था तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ऑन द बेसिस ऑफ पहली चीज तो आएगा बेटा मोरफोलॉजी शॉर्टकट में लिखा मैंने समझ जाओगे ना एक तो मोरफोलॉजी पर बेस्ड था सेकंड मॉर्फोलॉजी के साथ ही साथ क्या आएगा एनाटॉमी आएगा एनाटॉमी के अलावा यहां पे हम लोग देखेंगे तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम लोग यहां पे समझेंगे तो साइटोजेनी ये टर्म आप लोगों के लिए हो सकता है न्यू होगा साइटोजेनी मींस सेलुलर कैरेक्टर क्या चीज सेलुलर कैरेक्टर जो है ये साइटोजेनी को कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी क्योंकि ड्रॉबैक्स होने की वजह से हम लोगों को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से ज्यादा अच्छा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें लगा जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का स्टडी किए फिजियोलॉजी का भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है तो फिजियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी साइटोजेनी अल्ट्रास्ट्रक्चर एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ये सारी चीजें थी मीन्स यहां पे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये बेस्ड था किस पर बेस्ड था बेटा ये नेचुरल एफिनिटी नेचुरल जो है इस पर ये बेस्ड था ठीक है जिसमें बेंथम और हुकर ने वर्क किया और अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया एक बुक में जिसका नेम था जेनेरा प्लांटेरम तो साइंटिस्ट की यदि हम बात करें तो साइंटिस्ट कौन सा था बेटा बेंथम एंड हुकर ये दोनों साइंटिस्ट ने अपना वर्क और वर्क करने के बाद फाइनली इस वर्क को पब्लिश किया बुक का नाम जो था थोड़ी देर पहले हमने देखे जेनेरा प्लांटेरम इस बुक में पब्लिश किया और इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमें प्लांट के टाइप्स बताए जिसमें एक तो क्रिप्टोगेम्स क्रिप्टो गेमी और दूसरा जो बताया क्या चीज बेटा फेनेरोगेमी यह हमें बैंता मैन हुकर ने दिया बेटा ओके फेनेरोगेमी जो था यहां पर हम देखे क्या चीज फेनेरोगेमी तो फेनेरोगेमी में इन्होंने क्या किया जो क्लासिफिकेशन जो दिया है तो इसमें पहली चीज तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन दिया सबसे पहले डायकोट प्लांट को रखा डायकोटिडेंट बीचों बीच में आता है जिम्नोस्पम और लास्ट में इन्होंने क्या किया मोनोकॉट मीन्स डायकोट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पम मींस इस तरह से यहां पे इन्होंने बताया वो तो हमको बाद में चल के पता चला कि जिम्नोस्पम अलग होता है आज हम जानते हैं बेटा उस टाइम पे डायकोडम और मोनोकोट इस तरह से उन्होंने क्लासीफाई किया तो क्लासीफाई जो उन्होंने किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया बेटा उन्होंने लीफ के कैरेक्टर्स को लिए लीफ में उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को क्या बताया वेनेसन क्या चीज लीफ में उन्होंने वेनेसन बताया कैसा होता है उसी के बाद फिर सेकेंड लीफ के बाद उन्होंने सीड जो है वो देखें, सीड में कोटेलिडन कैसे होते हैं यह हमें बताएं, फिर उसके बाद उन्होंने यहां पर हमें फ्लावर के बारे में स्टडी किए और हमें समझाया कि फ्लावर कैसे होते हैं उसके बाद नेक्स्ट वहां पे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं क्या चीज वेस्कुलर बंडल इसका हम लोगों का एक्सप्लेनेशन दिए और फाइनली लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये कैसे होती है और क्या होती है ये बताए अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे यहां पर क्या क्या यहां पे समझाया है पहली चीज तो देखो बेटा हम सिर्फ मोनोकॉट और डायकोड प्लांट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे ठीक है क्योंकि जिम्नोसपम को तो बीच बीच में रखा तो सबसे पहले तो, तो देखो बेटा यहां पे जो डायकोट प्लांट होता है डायकोट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेसन होता है लीप की हम बात करें तो लीप में जो है क्या चीज रेटिकुलेट वेनेसन वेनेसन जानते हो क्या बेटा क्या होता है और यही चीज मोनोकोट प्लांट में क्या हुआ बेटा पैरलर वेनेसन होगा मतलब जैसे कि सपोज यहां पे एक लीफ है तो इस तरह से इसमें इस तरह से वेनेसन देखने को मिलेगा वेन्सो वेनलेट so और यही चीज डायकोट प्लांट में हम देखेंगे तो यहां पे जैसे कि ये लीफ है तो इस लीफ में इस तरह से एक जाल के समान नेटवर्क होता है जिसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं हिंदी में इसको जालिकावत ऐसा बोलते हैं ठीक है थीके? जाल। तो रेटिकुलेट वेनेशन और वेनेशन और होता है। सीड की हम बात करें बेटा तो मोनोकॉट ऑब्वियसली मोनोकॉट है तो यहां पे क्या होगा सिंगल कोटेंस प्रेजेंट होगा और डायकोट में क्या होगा बेटा डबल होगा। फ्लावर जो मोनोकॉट में जो होता है तो मोनोकॉट का फ्लावर जो होता है ये होता है बेटा ट्राइमेरस जो लीफल, लीफलेट जैसे जो होते हैं ना फ्लावर में स्ट्रक्चर होता है वो थ्री या फिर फाइव होते हैं तो डायकोट में पेंटामेरस देखने को मिलता है तो ये हो गया डायकोट और ये हो गया मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल की यदि हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल डाइकोट में ओपन टाइप के होते हैं बट मोनोकॉट में क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है अभी ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं तो देख देखो बेटा वेस्कुलर बंडल में वीबी लिख रहा हूं वीबी में हम लोग एक तो ओपन और दूसरा क्लोज हम देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल की यदि हम बात करें बेटा तो जैसे कि प्लांट है प्लांट में एक जाइलम आएगा और एक फ्लोएम होता है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होती है जिसे कैम्बियम रिंग कहते हैं तो जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और इस टाइप का वेस्कुलर बंडल क्या कहलाता है ओपन टाइप का कहलाता है जिसमें कैम्बियम रिंग नहीं होंगी डायरेक्टली तो इस टाइप का वेस्कुलर बंडल जो है वो क्या कहलाएगा क्लोज तो ये जाइलम हो गया ये फ्लोएम हो गया और साथ ही साथ उसमें कैम्बियम रिंग भी प्रेजेंट हो गई समझे तो ये वाला पार्ट क्या होता है और ये किस तरह से होता है इसको हम लोग डिटेल में कहां पे बेटा हम लोग प्लांट एनाटॉमी में वेस्कुलर बंडल को समझेंगे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये हम लोग प्लांट एनाटॉमी में डिटेल में जाएंगे और वहां पे समझेंगे और जिसमें कैम्बियम रिंग होंगी तो उसकी वजह से इसमें क्या होंगी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कहां पर हो रही बताओ सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये हमको डायकोट में देखने को मिलती है बट मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होती तो यहां पे मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा बट यही चीज डायकोट में देखने को मिलती है तो इस तरह से यहां पे ये जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये बताया अब बच्चा कौन सा बेटा हमारा अब बच्चा हम लोगों का जीम्नोस्परम। तो जिम्नोस्पमोस्पम के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे समझाया हम लोगों को तो जिम्नोस्पम में बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हम लोगों को यहाँ पे समझाया था ठीक है क्या चीज जिम्नोस्पम में अब एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा एड नहीं किया मैं यहाँ पे छोटे से इसमें समझा दूंगा आपको जस्ट वेट एक स्लाइड yes, हम लोग कर लेते हैं एड कर लेते हैं ओके okay, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे वो भी हम लोग देखेंगे तो पहली चीज तो यहां पर जिम्नोस्पम जो है, यदि हम देखें तो जिम्नोस्पम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स कहते हैं उसे कोंस क्या है ये इसका ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ठीक है इसमें जो होता है वो नेकेड होता है कवर्ड नहीं होता है नेकेड में होता है ठीक है जैसे एनजी में हम लोगों ने पढ़े ना बेटा जैसे कि हमने ऐसा पढ़े थे स्टाइल, ओवरी और उसके अंदर या में पढ़े थे हमने बट इस टाइप का ओव्यूल जिम्नो में नहीं होता ठीक है ठीके? और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होगा तो सीड भी जो है सीड भी कैसा होगा सीड बनेगा तो ये के फीचर्स हो गए अब कुछ यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉबैक्स जो है वो पढ़ना है क्या क्या हो सकते हैं ओके तो अभी हम लोगों ने जिम्नोस्पम के पार्ट समझे अभी हम लोगों को इस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे वो हम पढ़ लेते हैं तब जाके तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको दिया गया दैट इज फाइलोजी क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा तो यहाँ पे देखो बेटा ड्रॉबैक्स इसका ये था कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या यहां पे फेनेरोगेम्स की यदि हम बात करें ठीक है तो उसमें फाइलोजेनी को ठीक है यहां पे नहीं बताया गया जैसे इसके पहले था सेकेंड थिंग जिम्नोस्पम को डायकोट के पहले प्लेस करना चाहिए था ये जिम्नोसपम को मोनोकोटो डायकोट के बीचों बीच में रख दिया बट अभी आज के टाइम पे हमने देखे तो जिम्नोस्पम को क्या किया बेटा डायकोट के पहले क्योंकि उसके बाद एंजियोस्पम आता है तो यहां पे जिम्नोस्पम शुड बी प्लेस बिफोर द डायकोट यहां पे लिख लेते हैं हम लोग पार्ट में राइट कर दे रहा हूं क्या चीज जिम्नोस्पम शुड बी प्लेस क्या जाएगा बेटा बिफोर डाइकोट प्लांट दाएकोड के पहले ही चाहिए गलती से उसको बीच में रख दिया और फाइलोजेनी तो यहां पर भी नहीं बताई थी ठीक है तो अब देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे जो भी पार्ट समझ रहे थे क्या देख रहे थे हम लोग स्लाइड से समझ लेते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये देखो आप बैंथम और ये हुकर है हमारे जॉर्ज बेंथम जोसेफ डोल्टन हुकर इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड था किस पर नेचुरल नेचुरल एफिनिटीज एफिनिटीज में क्या क्या मैंने आप लोगों को समझा दिया एक्सटर्नल फीचर्स भी थे और इंटरनल फीचर्स भी थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी उसमें आ रहा है एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री ये सारे के सारे उसमें आ रहे हैं ठीक है क्लासिफिकेशन जनरली फ्लावरिंग प्लांट की यदि हम बात करें जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डन हुकर इन्होंने यहाँ पे दिया था तो ये किस तरह से दिया था ये क्या क्या पार्ट्स आए थे और अपने बुक में उन्होंने पब्लिश किया जेनेरा प्लांटेरम ठीक है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है और फेनेरोगेमी जो जिसमें डायकोड जिम्नोसपमोनोकट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे और फाइनली इसका कुछ ड्रॉबैक्स था तो उसकी वजह से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहते हैं बेटा फाइलोजेनेटिक यहाँ पे आपको देखो समझ में आ रहा है ना से. जैसे, जैसे, से तो हम लोग जब फाइलोजेनी देखते हैं तो गोरेला देखते हैं मैन देखते हैं है, एव देखते हैं है, मंकी देखते हैं इस तरह से हम लोग जो फाइलोजेनी जो देखते हैं ट्वेल्थ से सिक्सटीन मिलियन ईयर थे हम लोग फिर सिक्स टू एट मिलियन ईयर या फिर फोर टू सिक्स मिलियन ईयर तो वहां पे कैसे कैसे जो चेंजेस आए हैं एक सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म कैसे आया है जैसे हम लोगों ने ह्यूमन में स्टडी की है एज इट इज प्लांट में भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये दिया गया है ठीक है बेटा समझ में आ गया जस्ट वेट एक कॉल आ रहा है मुझे ओके okay. चलो तो देखते हैं ऑपरेटर जो है बेटा उसका कॉल था थोड़ा सा करेक्शन था इस बार के पेपर में तो आप लोगों का तो नहीं था ना इस बार पेपर हाँ अब इतना समझाने के बाद भी कुछ ना कुछ करेक्शन आ ही जाता है चलो फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हम देख रहे हैं ओके okay, बेटा रिज्वाइन करो जल्दी करो बेटा इस वरी मैं रुक जाता हूँ कुछ सेकंड के लिए ओके okay. शुभम क्लास में हो क्या बेटा आज आप लास्ट कुछ क्लास से दिख नहीं रहे हो आप बेटा कहाँ थे शुभम आज भंडारा और सदर ब्रांच से कौन कौन है बेटा हेनरिस करेंगे ईश्वरीय आ गए के बेटा हो गया रिजॉइन सुजल सुजल आप भी बेटा कुछ क्लास से गायब हो कहा गए बेटा सुजल और कोई नहीं है आज आपके बैच से चलो ठीक है वैसे भी ये आपका रिविजन पोर्सन चल रहा है जहां पे भी आपको वीक लगता है आप उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो और वैसे बेटा आपको मैंने क्या कहा हूँ लिविंग वर्ड का लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर ठीक है लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर स्पेशली लेक्चर फोर आपको देखना है ठीक है वैसे हम लोगों का यहाँ पे तो हो गया है बट जस्ट फॉर रिविजन ठीक है रिवीजन पर्पज से एक बार देखेंगे बेटा वो लेक्चर आप देखोगे ना तो लिविंग वर्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही आपको याद हो जाएगी ठीक है अच्छा शुभम आपके भी ट्वेल्थ के ही चैप्टर बचे थे कंप्लीट कर रहे थे बेटा अभी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा अभी प्लांट किंगडम का आज फर्स्ट लेक्चर है बट द लिविंग वर्ड का मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर बेटा आपको जूम की रिकॉर्डिंग मिल सकती है तो लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर में, में दूंगा फिलहाल आप लोगों का टोटल स्लाइड प्रेजेंटेशन है बट नीड नहीं रहेगी बेटा प्लांट किंगडम का आपको नीड नहीं रहेगा क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट आपका स्लाइड में मैं आपका राइटिंग के हेल्प से भी ले रहा हूँ और स्लाइड की हेल्प से भी ले ले रहा हूँ ठीक है बट लिविंग वर्ड में कुछ पार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन वही है जो मैंने समझाया बट स्लाइड में आपको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा फास्ट हो गया तो आप बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला लेक्चर देख सकते हो इफ यू वॉन्ट सो अदरवाइज हमने क्लास में जो किया वो परफेक्ट है मैंने कुछ भी अलग से उसमें ऐसा नहीं बताया है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कंटेंट के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले ठीक है और बहुत से स्टूडेंट को शायद आज का टाइम नहीं मालूम होगा इसलिए क्लास लेट ज्वाइन किए हैं आज का क्लास बेटा चार बजे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे और टुमारो ऑल्सो आप लोगों का लेक्चर रहेगा बेटा कल आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है और एक्स्ट्रा क्लास इसलिए है क्योंकि कल हम लोग प्लांट किंगडम जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे समझ में आ गया कल प्लांट किंगडम हम कंप्लीट कर लेंगे मे बी वन थर्टी से मैं आपका क्लास ले सकता हूँ या फिर दो बजे से क्लास ले सकता हूँ दो बजे से लिया तो चार बजे तक के लूंगा वन थर्टी से लिया तो थ्री थर्टी तक के लूंगा ठीक है जब तक प्लांट किंगडम खत्म ना हो जाए वैसे तो मे बी वन एंड हाफ आवर्स में ही आपका प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा बट नीड हुआ तो भी हमको टू आवर्स का क्लास लग सकता है समझ गए तो मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे कल प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया यदि जल्दी हो जाता है प्लांट किंगडम कंप्लीट तो कल हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी का थोड़ा सा पोर्सन कल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं तो ये मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कौन सा टॉपिक और चैप्टर में ले रहा हूँ ठीक है जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर लो फिर हम लोगों का रिविजन चालू करेंगे बेटा हम लोग रिविजन सीरीज हम लोगों का स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज रहेंगी बहुत सारी प्रैक्टिस रहेंगी जिसके जो डाउट्स है जो बैकलॉग है वो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे आपको हर दिन का एक टास्क दूंगा जो पढ़ के आना है जिसमें मैं कुछ ओरल क्वेश्चन पूछूंगा और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन करने का चांस मिलेगा किसी के डाउट्स रहेंगे तो डाउट क्लियर होंगे और क्वेश्चन की हेल्प से प्रैक्टिस भी होगा हमारा समझे इसलिए हम जल्दी से जल्दी ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं तो फाइनली क्लासिफिकेशन सिस्टम का नीड क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है हम लोगों को इसके पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं बताई गई थी ठीक है तो यहां पे साइंटिस्ट है एंगुलर एंड फ्रॉन्टल ओके उन्होंने यहाँ पे फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोगों को क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया इसमें हचिनसन एक साइंटिस्ट है तख्ताजान एक साइंटिस्ट है इन लोगों का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है ठीक है टर्म फाइलोजेनी क्या होता है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं डेटा हम जो है यहाँ पर ये बाद में देखेंगे ठीक है क्या रिलेशनशिप होता है ये सारी चीज़ें काम करते हैं देख लेते हैं क्या, क्या दिया है तो देखिए बेटा फाइलोजनी क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो फाइलोजनी जो है ऑर्गेनिजम्स है? है, है, है जो सेम टेक् रहते हैं वो इवाल हुए है कॉमन से बेटा इवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़े है और ये इवोल्यूशन का ही कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है ठीक है तो क्या होता है बेटा फाइलोजनी और ये किस टर्म से लिया गया है और क्या इसमें कंसेप्ट आते हैं वो पार्ट हम समझेंगे तो पहली चीज तो बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक ठीक है फाइलोजेनेटिक हम इस टर्म से ही समझेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ओके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है यदि हम देखें तो ये किस पर बेस्ड है थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको क्या है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो अब यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का जो स्टडी हो रहा है इसी का एक और टर्म है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसे कहते हैं बेटा क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा क्लेडिस्टिक अब क्लासिफिकेशन अब क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन मीन सबसे पहले जो टर्म जो दिया हुआ है कौन सा टर्म का मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे तो टर्म जो है क्या चीज फाइलोजेनी इसका यदि हम मीनिंग देखें तो ये जो टर्म जो है पहले मीनिंग मीन्स मीनिंग तो हमें समझ में आ रहा है ना बेटा फाइलोजेनी मीनस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो इस टर्म को जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेमार्क याद आ रहा है पहले थे हम लोगों ने इवोल्यूशन में लेमार्क और ये जो कंसेप्ट जो क्विंट किया है कंसेप्ट जो हमें मिला है वो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट है, 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 है फाइलोजेनिक कंसेप्ट दिया और उसके बाद फाइनली एक और साइंटिस्ट आए डार्विन और डार्विन ने कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन जो चाहिए पढ़े यार हम लोगों ने इवोल्यूशन में हेलो याद आ रहा है ना डार्विन ने जो भी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोगों को समझाए ठीक है ठीके? जितना भी जो भी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन जो था वो भी किसका बेटा फाइलोजेनी का यह हमें डार्विन की हेल्प से मिला है और फाइनली उनने अपनी जो बुक थी उसमें पब्लिस की इस वर्क को बताओ डार्विन की बुक कौन सी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। वेरी गुड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है उसमें डार्विन ने अपना इस वर्क को पब्लिस किए साथ ही साथ फाइलोजनी जो है इसको जो प्रपोज्ड किया है यदि हम देखें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो साइंटिस्ट है उनका नेम यदि हम देखें तो एंगलर और प्रोंगटन थोड़ी देर पहले मैंने टर्म यूज किया था आपको याद होगा तो यहां पे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज्ड किया है ओके okay, एक तो वो तो थी साथ ही साथ आइक्लर ठीक है ये एक साइंटिस्ट थे ये नाम याद रखना है आपको आइकलर इसी के साथ साथ एंगलर एंड जो इनके साथ थे फ्रंटल फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हचिनसन ये बेटा आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो आपको ये नेम जो है ये पढ़ना होगा अब आप बोलोगे सर MBBS में प्लांट का क्या काम है तो ऐसा नहीं होता बेटा पढ़ना सब पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या है और प्लांट से कुछ डिसीज यदि ह्यूमन में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं रोल रहता ही है और एक थे जान। इन सब ने मिलकर फायलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया ओके okay. तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक साइंटिस्ट के बारे में कंसेप्ट समझेंगे सबसे पहले हम लोग एंगर एंगलर ओके एंगलर एंड प्रॉन्टल जो है इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए एम्ब्रियोफाइटा क्या चीज एम्ब्रियोफाइटा इसका जो सब डिवीजन जो था इसका जो सब डिवीजन उन्होंने यहां पे हमें एम्ब्रियोफाइटा का क्या था जानते हो जिम्नोस्पम और एंजोस्पम एम्ब्रियोफाइटा को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते याद आ रहा है पढ़े थे हमने स्पर्मेटोफाइटा जिसमें क्या आता बेटा एक तो फर्स्ट आता है और दूसरा आता है एंजियोस्पम जिम्नोस्पम एंड एंजियोस्पम जो है इस तरह से टू सब डिविजन फिर एंजियोस्पम की हम बात करें तो एंजियोस्पम में क्या आते हैं बताओ इसकी क्लासेस एंजियोस्पम की डायकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस वेरी गुड डायकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस आ जाएंगे तो एंजियोस्पर्म की टू क्लासेस आ जाएगी जिसमें मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मोनोकोट एंड डायकोट कोटिलिडनस बोलते बेटा ठीक है याद रखना है तो इस तरह से यहां पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला तो अब देखिए जो ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की जिसमें साइटो सिस्टम था अभी हम लोग कुछ ब्रांचेस देखेंगे के. यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी मेन पार्ट था कैसा क्लासिफिकेशन दिया है क्योंकि देखिए बेटा अब आप यहां पर बहुत डिटेल है बहुत उतना हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक के जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था वो था जो हम लोगों ने देखे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें फिर उसकी ट्वेंटी फाइव अलग क्लासेस आएंगी फिर उसके अलग उसमें टाइप्स आएंगे फिर सब क्लासेस आएंगी तो वो सारी चीज़ों करके स्टडी होती है बट हम लोगों को सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट है वही पढ़ना है फाइनली अब हम लोग टेक्सोनोमी जो है उसकी कुछ ब्रांचेस हैं वो हम लोग समझेंगे क्या होती है तो टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस जिसमें एक आता है साइटो टेक्सोनोमी और कैरियोटेक्सोनॉमी साइटो और कैरियो टेक्सोनॉमी तो साइटोटेक्सोनॉमी मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं जो साइटोलॉजिकल फीचर है क्या चीज साइटोलॉजिकल फीचर जो है उसका हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम क्रोमोजोम की हम बात करें तो क्रोमोजोम का हम लोग क्या देखेंगे बेटा उसके नंबर कितने हैं पहली चीज तो साथ ही साथ क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसा है साथ ही साथ क्रोमोजोम का क्या चीज बेटा स्ट्रक्चर कैसा है तो ये सारी चीजों का हम लोगों को यहां पर स्टडी करना है किसमें साइटोटेक्नोमी में साइटो इसी के साथ साथ अगेन एक और आता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज कीमोटैक्सोनोमी ठीक है जगह आगे नहीं है तो हम लोग यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे यहां पर क्या देखेंगे अभी हम लोग यहां पर कीमोटेक्सोम कीमो टैक्सो तो बेटा तो हम लोग क्या है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या चीज केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर सीक्वेंस ऑफ डीएनए ये हम लोग देखेंगे साथ ही साथ सिक्वेंस जो होता है आर का यह भी हम लोग स्टडी करते हैं साथ ही साथ सिक्वेंस हम लोग देखते हैं प्रोटीन का ये भी हम लोग स्टडी करते हैं ठीक है थीके? फिर इसी के अलावा यदि कोई एरोमेटिक कंपोनेंट यदि वहां पे प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कंपोनेंट जो है उसका भी हम लोगों को स्टडी करना होता है इसलिए उसका नाम जो है वो क्या दे दिया बेटा कीमोटैक्नोमी ओके की कीमो जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इसी के साथ साथ एक आता है न्यूमेरिकल टेक्जोनोमी ठीक है अगेन एकोटेक्नोमी होता है जिसे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्जोनोमी यहां पे समझा देता हूं मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल टेगजोनोमी तो न्यूमेरिकल टेक्जोनोमी में क्या क्या आएगा जैसे कि फेनेटिक्स भी इसे कहते हैं फेनेटिक्स नाम से भी इसको जानते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज टेगोमैट्रिक्स या टेगजी मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं और साथ ही साथ एडेंसोनियन टेक्सोनोमी भी कहते हैं ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया बेटा देख लेना एडेंसोनियन ये सारे नेम है बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के तो इसमें क्या होता है बेटा लिस्टिंग करते हैं हम लोग ऑल पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स की और लिस्टिंग करने के बाद बेटा हम लिस्टिंग कैसे है? उसको कोडेड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं स्टोर करके रख लेते हैं प्रोसेस होगा डेटा का कोस कोड का तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलर के बेसिस पे हम क्या है ऑर्गेनिजम जो है या प्लांट उसको हमने प्लेस कर दिए प्लेस करने के बाद कभी हमको डेटा चाहिए या देखना है तो हम बेटा इस न्यूमेरिकल टेक्जोनोमी का हम वहां पर स्टडी करके हेल्प करते हैं देखो यहाँ पे ये यह कुछ कैरेक्टर है टेक्सा ए बी सी डी ई e, आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलर कोडेट दे दी है नंबर दे दिया है या नहीं है ये सारी चीजें और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनली उसका हम सोल्यूशन देखते हैं ठीक है तो अदर सोर्स जो है बेटा जो प्रॉब्लम हम रिजोल्व कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम जो देख रहे हैं ये आता है न्यूमेरिकल टेक्जोनोमी ये बेस्ड है ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है जिसमें जनरली हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं नंबर हम देते हैं कोड हम देते हैं कोड को असाइन करने के बाद और कैरेक्टर को हम कोड के फॉर्म में असाइन कर देंगे और डेटा को हम प्रोसीड करते हैं तो हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कर सकते हैं न्यूमेरिकल में Cytolo में साइटो क्या हो रहा है बेटा साइटोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे क्रोमोज का नंबर हो गया क्रोमोज का स्ट्रक्चर या क्रोमोज का बिहेवियर ये हम देखते हैं और कीमोटेक्सोनोमी में केमिकल कंस्टिट्यूंट जो होता है प्लांट या सेल का उसका डीएनए उसका सीक्वेंस उसका स्ट्रक्चर और जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं ओके okay? तो इसका पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया क्या होता है तो इस तरह से सारी चीजें जो है यहाँ पर देखी जाती है तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है देन फाइनली अब हम लोग यहाँ पर एलगी जो है ये हम पढ़ेंगे एलगी क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर जो है स्टडी करनी है तो एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो बेटा सारी चीजें आप लोगों की यहाँ तक के जो है क्लियर हो गई है इफ यस yes, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का पोर्शन जो है मीन्स एलगी ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं किसी को बेटा यहां तक के जो भी पढ़ाया कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो अदरवाइज फाइनली ये वाला पोर्शन जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे एलगी हम पढ़ेंगे एलगी के बाद फिर प्लांट्स का जो भी पोर्शन है वो हम देखेंगे अंडरस्टैंड हो गया एवरीथिंग वेरी गुड ग्रेट यस सर ओके ग्रेट तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है मीन्स हम लोग यहाँ पे समझ गए बेटा कि प्लांट किंगडम का जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है तो प्लांट में लोअर मोस्ट कैटेगरी जो प्लांट की होती है वो होता है एलगी एलगी के बाद नेक्स्ट आएगा ब्रायोफाइट फिर आता है टेरिडोफाइट फिर आता है जिम्नोस्पम और फाइनली लास्ट में आता है एनजियोस्पम आपको याद होगा लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने यही सिक्वेंस आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग सारी चीजों को समझने वाले हैं ओके जिसमें सबसे पहले हम लोग एलगी और इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम समझेंगे तो एलगी जो है हमने थोड़ी देर पहले देखे थे बेटा एलगी को थैलोफाइटा में प्लेस किया है किसमें प्लेस किया एलगी को थैलोफाइटा में अब थैलोफाइटा मींस यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है जिसको डिफ्रेंशिएट किया है क्या एक तो रूट में स्टेम में और लीफ में तो प्लांट बॉडी जो कि रूट स्टेम और लीफ है या नहीं है तो जनरली एलगी की हम बात करें तो एलगी में ना तो रूट होती है ना ही लीफ होता है और ना ही स्टेम होता है तो इसकी जगह पे एलगी का जो बॉडी होता है उसे हम कहते हैं थैलस जैसे फंगस के बॉडी को माइसिलियम कहते हैं ऐसे ही एलगी की जो बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा थैलस और साथ ही साथ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है जैसे क्लोरोफिल एलगी में प्रेजेंट होता है और जो भी पिगमेंट इसमें इस प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग एलगी कलर होते हैं रेड होती है ब्राउन एलगी तो को फिओफाइसी कहते हैं है, और रेड एलगी को रोडोफाइसी कहते हैं तो ये हो गया बेटा तो इस तरह से हम लोग प्लांट किंगडम का स्टडी कर रहे हैं और प्लांट की हम बात करें बेटा तो प्लांट जो है मल्टी सेलर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े हैं ठीक है, का होता है इसमें well प्रेजेंट साथ जो तो मल्टी सेल्यूलर हो गया Eukaryotic हो गया ठीक और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने वाले ओके तो ये होता है हमारा प्लांट किंगडम जिसका हमने अभी क्लासिफिकेशन देखे और फाइनली प्लांट किंगडम की, की, हम, बात करें तो प्लांट की हम लोग जिसमें जिस ना तो रूट होता है ना ही लीफ होता है और न ही स्टेम होता है इसकी बॉडी को थैलस कहते हैं में ये फोटोसिंथेटिक कर सकता है मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और जो भी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा एडिशनल पिगमेंट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको थ्री कैटेगरी मेन थ्री कैटेगरी बाकी और भी है कुछ अलगी तो जो है, है टेरेस्ट्रियल भी, भी होती है पानी में भी रहती है और जमीन पे भी होती है एक्वाटिक में कुछ एलगी बेटा फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगी कुछ एलगी ऐसा होता है जो मैराइन वाटर में भी देखने को मिलेगा दोनों भी जगह पे अलगी प्रेजेंट होता है फिर कुछ एल्गी ऐसा होता है जो अपना रिजर्व करके रखता है फूड तो रिजर्व फूड मटेरियल जनरली तो स्टार्च होता है बट स्टार्च के अलावा ऐसा भी होता है ये हम लोग पढ़ने वाले आगे ठीक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यदि हम देखें तो न्यूट्रिशन जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एल्गी में ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये खुद से फूड बना सकता है बेटा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है साथ ही साथ यहाँ पे वेस्कुलर बंडल हम लोग जो देख रहे थे

तो स्पोर्ट्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखे थे बेटा गैमेट्स गैमेट्स बनेंगे तो पे टाइप का भी होता है एन टाइप का भी होता है और साथ साथ ही टाइप का भी होता है तो तीनों टाइप के यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स गैमेट्स ये भी प्रेजेंट होते हैं तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा कौन से कौन से इसमें किस टाइप का प्रेजेंट होता है समझ में आया आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं एलगी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा तो देखो यहाँ पे ये यह आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है ग्रीन एल्गी की आप देख रहे हो किसका बेटा ग्रीन एलगी की आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हो ग्रीन एलगी फिर लाइकेन लाइकेन में हमने देखे थे एलगी और फंजई का एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं और फाइनली यहाँ पे कंप्लीट कुछ एलगी जो है ठीक ये एक बियर है इस बियर के बॉडी पर इस तरह से अलग प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है ठीक ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट मालूम होना चाहिए इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो क्या समझाया था मैंने सिंपल एक थैलोइड थैलोइड मीन्स थैलस ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है एक्वाटिक भी होता है मीन फ्रेश वाटर में भी होता है और मैराइन हैबिटेट में भी अलगी देखने को मिलती है साथ ही साथ कुछ मॉइस्ट स्टोन जो होते हैं सोयल या फिर वुड वहां पर भी एलगी जो है प्रेजेंट होती है ठीक है यदि एलगी फंजाई के साथ एसोसिएट कर ले तो लाइकेन कहलाता है ठीक है एनिमल के साथ एसोसिएट करे तो स्लॉथ बियर जो है एनिमल के साथ भी ये एसोसिएट होता है ओके ये हम लोगों ने देखे नेक्स्ट पार्ट हम लोग एलगी का देखते हैं बेटा एलगी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ये वॉलवॉक्स है बेटा जिसे कॉलोनियल एल्गी कहते हैं थिंक yeah, मुझे याद नहीं आ रहा बट या 18 में आया है, एल्गी किसे कहते है? ये होता है तो ऐसी कौन सी एलगी है जिसमें मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्लेमाइडो मोनास जो होता है इसके गैमेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं आमिट्स होते हैं बेटा कैसे होते, है? होते हैं सिमिलर टाइप के यूलोथ्रिक्स जो कि फिलामेंटस एल्गीमिट तो बताया बट कुछ एलगी ऐसी होती है जिसमें गैमेट्स जो है एन आइसो भी होते हैं एन प्रेजेंट होते हैं ये याद रखना नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो आइसो बताए थे ऐसा नहीं होता बेटा दोनों टाइप के गैमेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ये हो गया स्पायरोगायरा, ठीक है तो स्पायरोगायरा के जो गैमेट्स जो होते हैं ये गैमेट्स नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। कैसे होते बेटा गैमेट्स? नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है स्पायरो में देखने को मिलेंगे ये याद रखना है आप लोगों को तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम देखते हैं जिसमें कि पहली चीज फॉर्म एंड साइज के बेसिस पर एलगी जो है बहुत वेरिएबल होता है जैसे एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म जो होता है क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास कैसा बेटा माइक्रोस्कोपिक है कॉलोनी के समान जो दिखेंगा वो वॉलॉक्स होता है फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो आप देख रहे हो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो जो है ये फिलामेंट के समान है वॉलबॉक्स आप देख रहे हो कॉलोनी के समान दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ आप माइक्रोस्कोपिक यदि देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये कैसा होता है माइक्रोस्कोपिक होता है समझ में आ गया ओके मींस ये जो एल्गी है नॉन एम्ब्रियोफाइट में आती है नॉन एम्ब्रियोफाइट मींस इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज होके जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है रिप्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग देखे, तो इसमें भी होता, है, भी होता है और सेक्सुअल भी होता है से में बनते दो टाइप के होते बेटा स्पोर्ट्स या तो फ्लेजलर होंगे या फिर बिना फ्लेजुलर वाले भी होते हैं जैसे जूसपोर एप्लेनो स्पोर्स और हाइपनोस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एन आइसोग से होता है तो देखो बेटा ये जूसपोर आप देख रहे हो जिसमें फ्लेजिला आपको दिखाई दे रहा है यहां पे ठीक है है प्रेजेंट जैसे फेवरेबल कंडीशन इसे मिलेगी तो ये जर्मिनेट करके एक न्यू बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है ठीक है मीन कोई भी फ्रेगमेंट इस तरह से एक बॉडी थी इसका पार्ट टूट गया टूटने के बाद फ्रेगमेंट अलग हो गए और अलग होने के बाद वही से एक नया बॉडी जो है ये बन जाएगा प्रोड्यूस हो जाएगा मीनस फ्रेगमेंट जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ? हुआ है डेवलप हुआ है ठीक है इसी के साथ साथ आसेक् रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स होता है जैसे कि जूसपोर बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप के होते हैं तो एक क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर्ट जो क्या है क्या है जूसपोर होते हैं जो कि फ्लेजिलेटेड होते हैं फ्लेजिलेटेड मतलब ये अलग है जिसमें इस तरह से फ्लेजिला देखने को मिल रहा है और फ्लेजिला होने की वजह से ऑब्वियसली मोटाइल रहेंगे जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट को ये प्रोड्यूस कर सकता है ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा टू तो गैमेट्स के फ्यूजन की हेल्प से हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं बेटा गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा हो ही होगा ठीक है अब यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है जिसमें गैमेट्स का जो फ्यूजन है यदि हम देखें तो इसमें दोनों भी टाइप के गैमेट्स बनते हैं ना क्या देखे थे हमने आइसोगेमेट मतलब देखो दोनों भी गेमेट आपको एक जैसे दिख रहे है आप पहचान नहीं पाओगे बेटा ये मेल है या फीमेल गेमेट है दोनों सिमिलर है एन आइसो में एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा ऊ गेमी में एक बड़ा है और एक छोटा है दोनों डिफरेंट है तो आइसोगेमस मीन फ्यूजन ऑफ गैमिट्स जो कि सिमिलर रहेंगे साथ ही साथ फ्लैजिला उसमें होता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स ठीक है जो कि मोटाइल रहेंगे नॉन फ्लेजिलेटेड भी होते हैं जैसे स्पायरोग जो कि नॉन मोटाइल होगा लास्ट की पिक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था बेटा ये यहाँ पर देखो स्पायरोगायरा, नॉन मोटाइल गैमेट्स है यूलोथ्रिक्स इसके गैमेट्स कैसे बेटा मोटाइल है और मोटेलिटी किस पर डिपेंड करेंगी फ्लैजिला प्रेजेंट है या फिर नहीं है उस पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पे देखो बेटा नॉन फ्लेजिलेटेड भी है और फ्लेजिलेटेड भी है एन आइसो करें तो दोनों भी गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो डिसिमिलर साइज के रहेंगे जैसे कि एक एक यूडोर्ज है का उसमें एन टाइप के आइसोग होते हैं और उमस की हम बात करें तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस जो है इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो है इसके गैमिट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं नॉन मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल भी होते हैं बट इसमें फ्यूजन होता है बट ये कैसे समझ में आ रहा है यहां सारी क्लियर है ऐसा तो नहीं मैं अकेले ही बोले जा रहा हूं और फोन बाजू में रख लोग ऐसा नहीं है ना चलो वेरी चलो वेरी गुड ग्रेट बहुत बढ़िया बेटा ये पोर्शन जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आज आज एक बार एनसीआर रीड कर लेना और जो भी पार्ट ऐसा लगता है कि याद करने वाले उन पॉइंट्स को अलग से नोट कर लेना एटलीस्ट आपने नोट भी कर लिए तो समझ लो आपको 50 याद हो गया फिर अगेन एक रिविजन रहेगा जिसमें आपका जब टेस्ट लूंगा मैं तो टेस्ट में आपके ये सारे चैप्टर आने वाले हैं तो आपका अगेन एक रिविजन होगा रिविजन की हेल्प से आपको वो सारी चीजें परफेक्टली याद हो जाएगी बट ये चीज अभी के अभी करनी है समझे मैं समझ सकता हूं कि आपका क्लास ड्यूरेशन ज्यादा होगा लेकिन ये सारी चीजों को सिर्फ पढ़ना है सिर्फ रीड करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना है ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला बेटा क्योंकि अभी ही आपने क्लास किए हैं और अभी ही आप पढ़ रहे हो तो आपका इमिडिएटली बहुत फास्टली वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी ठीक है और नहीं तो आप यही एक चैप्टर ले लो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनटि हमने कब पढ़े थे और आप अभी पढ़ के देखो ठीक है आपको बहुत टाइम लगेगा बेटा सिलेबस में कोई अपडेट नहीं आया और कुछ भी नहीं होने वाला मैं कह रहा हूं ठीक है इस गलत फहमी में नहीं लो ये डिपेंड करेगा बेटा जो भी सिलेबस का अपडेशन आएगा उस पर ठीक है जानवी गौरव अपडेशन पे जाओ सारी चीजें स्टडी करो जो होगा वो सब फाइनली बाद में देखा जाएगा कुछ भी अपडेट नहीं किया अभी तक के ओके चलो और वैसे भी देखो आप खुद ही समझ लीजिए कौन सा पार्ट स्किप करें ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो छोड़े और आपको फिर डॉक्टर बना दे देखते हैं बेटा अभी अभी वो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है क्या चीज छोड़ेंगे आप खुद ही बताइए ना और कोई भी पार्ट को स्किप करके आप डॉक्टर बनेंगे तो आप ही सोचिए कैसे डॉक्टर रहोगे आप लोग क्योंकि देखो एक इंजीनियर जो होता है वो मशीनों के साथ खेलेगा और मशीन बिगड़ी तो सुधार सकते हैं लेकिन बेटा आप एक लाइफ उस लाइफ जो है आपके हाथों में है और उसके साथ मजाक नहीं करना है समझ गए कल्याणी बेटा उसका नहीं है मेरे को भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा चलो तो आगे बढ़ते हैं ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलगी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं बेटा वो हम लोग देखेंगे ठीक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो कि हमें समझना है डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्लाइड से ही देख लेते हैं टाइम कवर हो जाएगा हमारा पहली चीज तो बेटा एलगी जो है फोटोसिंथेसिस कर रही है तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अर्थ पे है वो फिक्स करता है जिसकी वजह से हमारा डिजोल ऑक्सीजन जो होता है डीओ पढ़े थे हम लोगों ने इसका अमाउंट जो है बेटा ये इंक्रीज हो रहा है पहला बेनिफिट तो एलगी का यही है ओके ये आप जैसे देख रहे हो

तो ये वाला पार्ट जो एलगी की क्लासिफिकेशन है उसमें कवर करूंगा लेकिन फिर भी अभी आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये याद रखिए पोरफायरा लेमनेरिया और सरगासम ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा ठीक है किसके एलगी के ओके इसमें जैसे कि कुछ एलगी है जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हम देखें ना तो एक एलगी आती है जैसे क्लोरेला ठीक है कौन सा

इसी के साथ साथ यदि हम लोग देखें तो एक एल्गी है जिसका नाम है अलवा करके आता है इसका यूज सलाद के फॉर्म में करते हैं कुछ जो जो याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूं आपको ठीक है एक एलगी है बेटा करके आती है जो हमारे लिए मतलब टॉक्सिक होती है मतलब पैरासाइटिक नेचर की होती है थोड़ी देर पहले हम लोग लेमनेरिया देख रहे थे ठीक है लेमनेरिया जो है ये एलगी का जो यूज होता है ठीक है लेमनेरिया या सरगासम ये हमारे लिए अजब फूड डायरेक्ट हम खाने में इसका यूज करते हैं ठीक है लेमनेरिया की यदि हम बात करें ठीक है तो या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग कुछ एलगी ऐसी होती है जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होता है एक रेड कलर की एलगी होती है जैसे गैलेडियम एगलेसेलरिया उससे एक हम अगर अगर एक ये सोलिडिफाइंग एजेंट होता है बेटा जो हम माइक्रोबियल न्यूट्रेंट मीडिया बनाते हैं उसमें अगार का यूज होता है तो ये रेड एल जो होता है उससे हम लोग इसका प्रोडक्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखो आपको जो एलगी दिख रही है गैलेडियम ग्लेसलेरिया इससे ये अगार ये ऐसा फाइन पाउडर होता है बेटा ये एक सोलिडिफाइंग एजेंट है ठीक है पोरफाइरा लेमनेरिया सरगासम डायरेक्ट हम इसको जैसे वेजिटेबल्स खाते ना उस तरह से जब फूड हम यूज करते हैं फाइनली देखो मैं आपको जो बता रहा था अगार प्लेट है जैसे हमको न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनाना है तो अगार अगार जो होता है ये एक सोलिडिफाइंग एजेंट होता है क्या है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है ठीक है तो फाइनली आगे बढ़ते हैं और पार्ट समझेंगे तो अबाउट सेवेंटी स्पीसीज जो होती है बेटा मेराइन एलगी का जिसका हम यूज डायरेक्टली फूड के फॉर्म में करते हैं जैसे फिर सेकंड मैंने बताया था अगार जिसमें जो रेड एलगी होता है गैलेडियम और ग्लेसिलेरिया। इसका यूज जब हम माइक्रो ऑर्गेन को ग्रो कराना है ठीक है या फिर आइसक्रीम और जेली में भी इसका यूज जो है ऐड करने में यूज होता है ठीक है ये एक बेनिफिट्स हो गया नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरेला और स्पिरुलिना जो होता है ये देखो टेबलेट्स बताया मैंने आपको स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं इसका यूज जनरली जो है अपने फूड के लिए करते हैं तो कुछ मैराइन ब्राउन और रेड एलगी जो होता है ये हाइड्रोकोलाइड्स भी प्रोड्यूस करता है बेटा हाइड्रोकोलाइड्स मीन ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है ठीक है तो कुछ मैराइन एलगी जो होती है यह हाइड्रोकोलाइड जो है इसके फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग ठीक है साथ ही साथ एलगीन ये एक जो है ब्राउन एल्गी से और कैराजीन जो है रेड एलगी से प्रोड्यूस होता है ठीक है एलगीन और कैराजीन ये केमिकल सब्सटेंस है बेटा जिसका प्रोडक्शन जो है हम लोग जो ले रहे हैं तो एल्गिन और कैराजीन जो है ठीक है ये एक हाइड्रोकोलाइट्स है क्या है ये हाइड्रोकोलाइट्स और हाइड्रोकोलाइट्स मीन क्या हो गया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें काफी अच्छी होती है ठीक नेक्स्ट प्रोटीन रिच जो यूनिसेलर एलगी है क्लोरेला और स्पिरुलिना ये हम लोग जो देख रहे थे इसका यूज फूड सप्लीमेंट के थ्रू होता है जो कि जनरली स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं समझ गए फाइनली अब हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन पे आते हैं और एलगी का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे और एल्गी को जनरली थ्री क्लासेस में क्लासिफाई किया है जिसमें एक आता है क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एलगी कहते हैं फियोफाइसी जैसे ब्राउन एलगी कहते हैं और रोडोफाइसी जैसे रेड एलगी कहते हैं समझे तो हम लोगों को अभी यहाँ पे एलगी का जो है क्लासिफिकेशन टाइप्स हम लोगों को समझना है ठीक है जिसमें ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो ग्रीन ब्राउन और रेड एलगी ये हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहाँ पे एलगी के जो टाइप्स हैं वो हम समझने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम ग्रीन एलगी देखेंगे ग्रीन के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ब्राउन एलगी देखेंगे तीनों को हम कंपैरिजन में समझेंगे काफी अच्छे से हमारा पोर्शन कवर हो जाएगा तो रेड एलगी ब्राउन एलगी और ग्रीन एलगी ठीक है इस तरह से हम लोग तीनों भी एलगी के टाइप्स जो है और इसका कंपैरिजन और एक एक पार्ट्स को हम समझने वाले हैं तो सबसे पहले ग्रीन एलगी जो होता है इसमें फर्स्ट हम फीचर लेंगे उसका हैबिटेट कहाँ पर रहती है कहां पे मिलेगी हमको तो पहली चीज तो हैबिटेट तो हैबिटेट कुछ एलगी ऐसी होती है जो कि फ्रेश वाटर में मिलेगी हम लोगों को समझ गए कुछ एल्गी ऐसी होती है जो हम लोगों को मैराइन वाटर में मिलेगी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले ग्रीन एलगी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी ग्रीन एलगी है जो हमें फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में ऑप्टेन होती है तो फ्रेश वाटर में अलगी जो मिलेगी स्पाइरो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे ओके साथ ही साथ यूलोथ्रिक्स भी हमने देखे थे तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो में पाई जाने वाली अलगी है ठीक है अभी मैंने एक टर्म बताया था जिसको अलवा बताया था अलवा हलवा अलवा ऐसे याद रख सकते हो आप ये मैराइन वाटर में रहने वाली अलगी है और एक एसिड क्या है एक एसिटा वलेरिया करके एक एलगी आती है अब हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए छोड़ दो ठीक है वो भी एलगी जो है मैराइन है ब्राउन एल्गी जो होती है बेटा मेनली यदि हम देखें तो मेनली ये मैराइन ही होती है कैसी होती है मेनली मैराइन हैबिटेट होती है और रेड एलगी जो है मोस्टली मैराइन होती है ब्रैकेस वाटर होता है और फ्यूज जो है वो फ्रेश वाटर में आपको मिलेगी मोस्टली मराइन है बट फ्यूज जो है वो आपको कहाँ पे फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी एक बाल्टे को इसका एक एग्जाम्पल है बट नीड नहीं है ठीक है बट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है कुछ जो होती है तो जैसे कि क्या है बाल्टे को जो है एक एल्गी है रेड एल का एग्जाम्पल है जो जनरली आपको कहां पे फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलती है ठीक है इसी के साथ साथ ये तो एक टाइप्स हो गया ये आपका एक टाइप्स हो गया सेकेंड टाइप्स में हम लोग आते हैं और सेकेंड टाइप्स में यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो एरिया है ठीक है कहां पे ये प्रेजेंट होती है किस जगह पे ये प्रेजेंट होंगी तो कुछ ऐसा बेटा जो कोल्ड एरिया में होती है कुछ वार्मर एरिया में होती है इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसके जो एरिया है वो हम समझ सकते हैं तो एरिया की हम बात करें तो जनरली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन एलगी है ये कोल्ड और वार्मर इस एरिया में प्रेजेंट होती है लेकिन ब्राउन एलगी आपको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एरिया में ही मिलेगी और रेड एलगी आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म एरिया में ही मिलेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना है हेलो टाइम है ना अभी हम लोगों के पास 15 बहुत टाइम है तो तो कंपेरिजन में बेटा क्लासिफिकेशन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं तीनों हम इस तरह से टेबल में हम सेपरेट कर लेते हैं और तीनों भी एलगी के टाइप्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहली चीज ग्रीन एलगी ग्रीन मीन क्लोरोफाइसी सेकेंड हमारा आ रहा है ब्राउन एलगी और थर्ड आ रहा है रेड एलगी अभी ये स्लाइड में मैंने पहले से टेबल बना लिया होता तो और अच्छा रहता बट ये जो है नहीं बना पाया फिर भी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे हम लोग थैलस देखेंगे थैलस तीनों भी एलगी में थैलस कैसे होता है तो एल्गी के थैलस की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा थैलस थैलस मीन्स ग्रीन एल्गी में हमको थैलस दोनों भी टाइप का मिलेगा एक तो हम लोगों को सेलुलर भी मिलेगा कैसे मिलेगा सेलुलर साथ ही साथ हमको सेलुलर वाली एल्गी भी मिलती है ओके सेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है चलो मुझे जल्दी से आप बता सकते हो सेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल याद है किसी को वॉलवॉक्स well, ओके वेरी गुड और इसमें भी देखो हम आ, जो है वो दोनों भी टाइप्स देखेंगे वॉल बॉक्स बेटा हमने पिक्चर्स देखे थे वो ऐसे कॉलोनी के समान है वो मल्टी में आ जाती है यूनिसेल्युलर क्लेमाइडोमोनास देखे थे हमने क्या देखे थे हमने क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर है जिसमें कुछ इसकी कैसी होती है बेटा मोटाइल होती है याद आ रहा है तो ये एक यूनिसेल्युलर एल्गी हो गया साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्लोरेला पिक्चर्स में दिखाया था मैंने आपको स्लाइड में क्लोरेला जो होता है ये यूनिसेलुलर है का आंसर आया था वेरी गुड बेटा ओके मल्टी सेलुलर में हमको दो टाइप मिलते हैं एक तो फिलामेंटस मिलते हैं और एक कॉलोनियल मिलते हैं तो मल्टी सेलुलर के टाइप्स हम लोग यहां पे देख लेते हैं इस तरह से ठीक है तो मल्टी सेलुलर एलगी पे यदि हम आए तो मल्टी सेलुलर में हमको इसके टाइप्स जो मिलेंगे वो दो टाइप्स के मिलेंगे एक तो हमें जो मिलेगा फिलामेंटस फॉर्म में मिलेगा और दूसरी हम लोगों को जो मिलेंगी वो कॉलोनियल मिलेगी तो कॉलोनियल एल्गी जो होती है जो कि मल्टी सेलुलर है वो है वॉलवर्स समझे और फिलामेंटस में कौन सी थी याद है किसी को हेलो स्पायरोगायरा किसी को याद होगा तो आप लोग यह चीज याद रखिए बेटा ठीक है स्पायरोगायरा जो है ये जो है ये किसमें आ जाएगा बेटा हमारा ग्रीन एलगी का मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ओके चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्राउन एलगी पे अब किस पे आएंगे हम लोग अभी ब्राउन एलगी तो ब्राउन एलगी की यदि हम बात करें तो ब्राउन एलगी का जो थैलस होता है जनरली थैलस यदि हम देखें तो ब्राउन एलगी में आपको यूनिसेलुलर फॉर्म जो है देखने को नहीं मिलेगा नहीं होता यूनिसेलुलर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो होता है मल्टीसेलुलर फॉर्म अब मल्टी सेलुलर में भी दो टाइप होंगे बेटा मल्टी सेलुलर में जो एलगी होंगी एक ऐसी होती है जो ब्रांच होंगी और एक ऐसी होगी जो अनब्रांच होती है तो एक जो होगा वो कैसा होगा और एक जो होगा वो कैसा होगा ब्रांच तो इसमें कौन कौन सी अलगी आ रही है ब्रांच और अनब्रांच वो हम लोग देख लेते हैं तो जनरली बेटा अनब्रांच या फिर कॉलोनी वाली जो है एलगी ब्राउन एलगी में नहीं होता है हमको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ठीक है ओनली हमको ब्रांच ही देखने को मिलती है तो ओनली ब्रांच हमको जो देखने को मिलती है ब्राउन एलगी जिसमें फिलामेंटस भी आती है फिलामेंटस फॉर्म आता है और फिलामेंटस की यदि हम बात करें तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं एक्टो कार्पस आपके एनसीआरटी में भी दिया हुआ है एक्टो कार्पस याद रखना है आप लोगों को समझा क्या हो गया आपका ये ब्राउन एलगी हो गया कौन सा बच्चा अभी बेटा अब हमारा लास्ट पार्ट आता है रेड एलगी ठीक है अब रेड एलगी का भी थैलस हम लोग देख लेते हैं कैसा है ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना तो रेड एलगी का थैलस यदि हम देखे तो इसमें भी दोनों टाइप हम लोगों को समझना है एक तो हम लोगों को कैसे समझना बेटा थैलस एक तो आएगा यूनिसेलुलर और दूसरा कैसा आएगा मल्टीसेलर अब यूनिसेलुलर जो होता है ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी यूनिसेलुलर एलगी जो है इसमें आती है ये आपके एनसीआरटी में भी एग्जाम्पल दिया है पोरफायरा पोरफायरा जो है ठीक है पोर फायराडियम करके बोलते हैं उसको वैसे पोरफायराडियम पोरफायरा भी आप समझ सकते हो ये यूनिसेलुलर हेल्गे है है। बेटा ये जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ ना इतने अच्छे से जो ड्राइंग करके यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ ये बेटा आज का ये वाला स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन जो होता है वो इसी पोर्सन में होता है इसलिए इसका मैंने अभी फिलहाल आपको स्लाइड नहीं बता रहा हूँ सबसे पहले मैं राइटिंग की हेल्प से एक एक पार्ट एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ ठीक है आप खुद बिलीव नहीं करोगे बेटा ये इस तरह का वे पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ठीक है निकिता बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको रूही सबनम शुभम सबम शुभम सबनम क्लास में नहीं दिख रही आजकल मानव प्रगति प्रज्वल प्राची क्लास में है ना सभी लोग क्लियर हुए इतने पॉइंट सारे गौरव चलो ग्रेट मल्टी सेलुलर फॉर्म यदि हम देखे, तो मल्टी सेलुलर में बेटा एक algae आती है जो नेचर की भी होती है ठीक है और कलरलेस भी होती है ये भी अब पढ़ रहे हैं तो हम नाम देख लेते हैं क्या है हार्वेला करके एक एलगी है हार्वेला अब देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है बट मैं समझा दे रहा हूं आपको ये पैरासाइट भी है ठीक है जनरली रेड एलगी एक एलगी ऐसा बेटा जिसको रेड में रखा है बट वो कलर लेस होती है आप बोलोगे कलर लेस है तो उसको रेड एलगी में क्यों रखा है बेटा कुछ प्रॉपर्टी उसके रेड एलगी के समान है ठीक तो है तो कलरलेस भी होती है ठीक है और एक एलगी ऐसी होती है जो रेड कलर नहीं देती वो ब्लू कलर की देती है तो ये हारवे वाला जो है बेटा ये कलरलेस होती है ठीक है पैरासाइड भी है मल्टी भी है बट उसके कैरेक्टर रेड के समान होते हैं इसलिए उसको रेड एल्गी में रख दिया है और एक ऐसी जो रेड ना होते हुए कैसी होती है ब्लू कलर की होती है तो ब्लू कलर की होती है बट है तो रेड एल्गी उसका नाम है बैट्रेको स्पर्मम लिख दे रहा हूं यहां पर बेट्रेको स्पर्मम देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आने के चांसेस टू परसेंट है नाइनटी एट परसेंट नहीं आने के चांस है यदि मान लो परसेंट आ गया तो आपको ये नाम याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाए थे ठीक है इसलिए मैं पे आपको पढ़ा दे रहा हूं। आपकी आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा आपको याद करना है या नहीं करना है तो ये हो गया बेटा क्या चीज थैलस समझ में आ गया तो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं बट क्लासिफिकेशन के पहले तीनों भी एलगी में हम जनरल से जो प्रॉपर्टी होती है स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है क्लियर हो गया बेटा इतना पार्ट सभी लोगों के एक एक पोर्शन क्लियर हो गए यस सर चलो वेरी गुड अभी हम लोगों को सेल वॉल क्या होता है पिगमेंट क्या होता है फूड मटेरियल किस तरह से स्टोर होता है ये भी हमको इसी तरह से कंपैरिजन में समझना है उसके बाद फिर गैमेट्स जो है वो कैसे होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी पिक्चर्स जो है वो हम लोगों को समझना है तो इस तरह से हमको बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पे समझने है तो अभी तो ऑलमोस्ट टाइम वैसे हो गया है तो ये इतने कम टाइम में सारी चीजों को एक साथ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा तो ये वाला पोर्सन जो है फाइनली हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मीन्स कल हम लोगों को ये वाला पार्ट समझना है बेटा मीन्स बहुत सारा पार्ट बचा है प्लांट किंगडम में अभी हमारा एलगी भी कंप्लीट नहीं हुआ और हमको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है समझे तो कल का लेक्चर भी प्लांट किंगडम का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आप लोगों का भले हमारे हम स्लाइड से पढ़ रहे हैं बट आपको स्लाइड वाली फीलिंग नहीं आएंगी बोर्ड वाली फीलिंग ही आएंगी ठीक है कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हूं मैंने एक एक पार्ट अच्छे से समझाया हूँ और स्पीड भी उतनी ही रखी है जितनी आप डाइजेस्ट कर सकते हो सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं बेटा आप लोग चाहो तो टाइनी डॉट सी सी यू पे जाके देख सकते हो ठीक है कुछ चीजें अपलोड होने की है तो वो अपलोड हो जाएंगी सारा कुछ एक सिंगल प्ले लिस्ट पर इस तरह से इंटरफेरेंस आएगा वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो यूट्यूब पे सारा अपलोड हो गया है टेलीग्राम पे फिलहाल आपसे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ मैं लेकिन मे बी जो भी इम्पोर्टेंट पी है वो टेलीग्राम पे आपको मिल ही रहे होंगे आज का लेक्चर जो है आपके ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप जो है आपका ऑफिशियल ग्रुप वहां पे और कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएंगी ठीक है तो इतना बेटा आज ही आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करके आइए आगे का पोर्शन जो है फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और जो भी अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे ठीक है बेटा तो एंड करते हैं फिर आज का लेक्चर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कुछ डाउट रहे कुछ प्रॉब्लम रहे टेक्स्ट करो कॉल करो टाइम लो और सारी चीज़ें पूछो ओके बाय बाय बेटा मणाली सुप्रिया बेटा समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें अमृता वेदांती चलो प्राची बेटा क्लियर हुए सारे पॉइंट्स आप लोगों के